आज 2 दिसंबर 2022 को 17वीं त्रिपिटक चांटिंग काउंसिल में हम लोग जो देख रहे हैं, ये इंडिया के पार्टिसिपेंट हैं और हम लोग ये इस तरह से जो कार्यक्रम चलेगा 17वीं त्रिपिटक चांटिंग काउंसिल वो चल रहा है वो आप करेंगे नहीं ऐसे ही करना नहीं नहीं केवल 4 मिनट है ऐसे ही रिकॉर्ड करना हम लोग पूछते जाएँ आप यही ऐसे तो ये 17वीं त्रिपिटक चांटिंग काउंसिल में आज 2 दिसंबर को ये शुरुआत है और जो प्रोसेशन चल रहा है ऑल इंडिया भिक्षुसंघ की तरफ से संघ नायक एक तरफ लाइन में नहीं है दूसरी तरफ लाइन में आप यहीं खड़े रहिए धीरे धीरे आते रहेंगे और सभी बहुत अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं ये हमारे बीजेपी सिंह की दिल्ली से और जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सरसा जो बुझ गया कि इस तरह से बहुत सारा कार्यक्रम देखते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट इनका रहता है हमेशा ही और इन्होंने एक बुधगया रेलवे स्टेशन के पास में मदद की बनाई हुई है बहुत बहुत तो इस तरह से ये कार्यक्रम में सभी का अपना अपना इंटरेस्ट है और बहुत अच्छे से हम लोग जिस समय जो मेन रोड है यहाँ पर पार्क के पास में तो जयप्रकाश नारायण उद्यान के पास में ये रिकॉर्डिंग है इस समय और सभी जो लोग हैं बड़े हिम्मत करके अपने अपने परिवारों से निकले हैं तो ये भिखुनी बनी है तो कोई 20 साल की हैं कोई 50 साल की हैं कोई 40 साल के हैं तो ऐसा इन लोगों ने बताया और भिखु जीवन में भी जैसे आप आगे तो ऐसा ये हिम्मत करके ज़्यादातर लोग जो भिखुनी हैं वो महाराष्ट्र और नागपुर की हैं और बाकी जो स्टेट के लोग भी हैं अभी धीरे धीरे आने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग भी जैसे जैसे आएंगे तो उनका भी अपना अपना प्रयास रहेगा और भिखुनी संघ की शुरुआत अपने उत्तर प्रदेश से हुई ऐसा माना जा रहा है उत्तर प्रदेश की जन्मस्थली है तो बुद्धिज्म की तो बुद्धिज्म का जन्मस्थली उत्तर प्रदेश माना जाता है और बिहार को बुद्धिज्म का क्योंकि शिक्षा या मान लीजिए ज्ञान प्राप्त हुआ भंते जी को वो भंते जी को ज्ञान प्राप्त हुआ उरुबिला बुद्धगया में और बुद्धगया के बाद में जो उन्होंने शुरुआत की वो की सारनाथ से अब बोलिए तो सारनाथ में जब जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने देखा ये उच्चतम ज्ञान मैं किसको दूँ तब उन्होंने देखा कि जो मेरे 5 प्रवाचक थे और वो 5 प्रवाचक जब मैंने सोचा था कि खीर ग्रहण कर लिया था तो खीर ग्रहण करने के बाद में उनको कुछ ऐसा आभास हुआ था कि बुद्ध जो है अपने ध्यान से जो है भंग हो गए और उसके बाद वो सारनाथ में जा कर के उन्होंने देखा कि सारनाथ में पहुँचे हुए हैं तो जब बुद्ध जो है सारनाथ पहुँचते हैं और सारनाथ पहुँचने के बाद जब चौखंडी जो आजकल अशोक ने बनाया चौखंडी क्या नाम है आपका नाम बोलो धर्मरचता देखो कितनी छोटी बिल्कुल सामने रहे हैं तो चौखंडी में जाकर के जब बंद कर हो गए 5 किलोमीटर हो गई चौखंड।